और फ्रेंड्स, तो आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है हमारा आज का जो वोकैब डिफिडेंट एंड डेफिडेंट, अमेरिकन एंड यूके एक्सेंट, डिफिडेंट डिफिडेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? ये पहले तो एक एडजेक्टिव है, और देखिए इसका मीनिंग है शाय एंड नॉट टू कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। You shouldn't be so diffident about your achievements. You have done really well. Okay, तो आपने देखा किस तरह से ये shy and not confident का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, कि you shouldn't be so diffident about your achievement, है ना? तो ये एक बहुत ही important vocab है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर आपको वही वो कैप्स बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इन वो कैप्स को आप जरूर बार बार देखें, और एक तरह से आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पेच्युअस। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सुना देता हूँ आपको। इम्पेच्युअस। ओके, इम्पेच्युअस। ओके, दो लगभग यूके यूएस में एक ही प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है लाइकली टू डू समथिंग सडनली, यानी कि वो इम्पल्सिव टाइप का होता है, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देने वाला होता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सो इम्पेच्युअस, वाई कांट ही थिंक थिंग्स ओवर बिफोर ही रशेस इनटू देम। ओके, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि जो लोग इम्पल्सिव होते हैं, आप उनके लिए ये यू नो इस वोकैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ही इज सो इम्पल्सिव, ही इज वेरी इम्पल्सिव, यू नो। अब नेक्स्ट वाला वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑडेसियस। ऑडेसियस, 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 ऑडेसियस। ओके, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफन पीपल, यानी कि ब्रेव, करेजियस भी होता है इसका मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, दो दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और नीचे आप यू नो यदि हम स्मार्ट वोकैबुलरी की बात करें तो देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रेव एंड करेजियस। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है जिसे आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेलिश। एम्बेलिश, ओके, Embellish. दोनों अमेरिकन और ब्रिटिश में एक ही है, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज को डेकोरेट करना, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल बाय एडिंग यू नो समथिंग टू इट। तो इसका ये मतलब होता है, तो किसी भी चीज को आप डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर के साथ, यू नो, और लीव के साथ। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ नीचे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वो क्या चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेकलेस। नेक्स्ट वो क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिए यूके में पहले। रेकलेस, रेकलेस, यूएस, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। और इसका मतलब होता है आपका केयरलेस टाइप का, थोड़ा सा डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क एंड द पॉसिबल रिजल्ट। ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर रेकलेस ड्राइविंग, है ना? तो ये आपका बहुत ही अच्छा वो क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, salutary और salutary, दो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट हो गए। salutary, salutary, ओके, तो इसका मतलब होता है आपका beneficial, है ना? या फिर आप दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है causing improvement of behavior और character, ठीक, और salutary experience। ओके, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। यूजफुल है इसका मतलब, इसका beneficial है मतलब। ओके, अब नेक्स्ट वो कैप चेक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है कि जो चीज क्लियर नहीं है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्लियर एंड हैविंग नो फॉर्म, या फिर अनसर्टेनिटी होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज अ फ्यू नेबुलस आइडियाज अबाउट व्हाट शी माइट वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर बट नथिंग डिफाइंड। ओके, तो ये एक इसका एग्जाम्पल। तो इंडाइटमेंट जो है, एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट, ओके, इसका मतलब एक्चुअली हिंदी में बोले तो अभियोग होगा। ओके, अ फॉर्मल चार्ज, अ एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है, इसे लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं,
फ्लिमजी का मतलब होता है कमजोर, है ना। तो इसका प्रोनंसिएशन भी हमने चेक फ्लिमजी यस कर लिया, फाइन। तो देखिए इसका मतलब होता है कमजोर, जो इजिली डैमेज हो जाए, फ्लिमजी बैरियर। ओके, ये आपका वोकैब था। और एक और देख लेते हैं हम, और एमिकेबल का प्रोनंसिएशन देख लेते हैं, एमिकेबल, एमिकेबल। ओके, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। ओके, तो ये हमारा लास्ट वोकैब था। आप इन सब का नोट्स बना के याद करना स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कहीं से भी इस वीडियो को एक्सेस करके रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए वोकैब्स के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी दे रहे हो, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए वर्ड हैं। थैंक यू सो मच।